हम लोग एक और नए ट्रिक्स के साथ है, आपके साथ मैं जुड़ रहा हूँ। किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, और अगर इस मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, तो इसके शॉर्टकट मेथड क्या है? क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट निकालेंगे जनरल मेथड के द्वारा, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है, और बहुत ही कम समय में इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे, इसका रूल क्या है वो सीखिए। तो सबसे पहले ये दिया हुआ मैट्रिक्स के ऑर्डर को यहां से उठाइए और ये पूरा मैट्रिक्स यहां पे लिख दीजिए। तो आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2 3, उसके बाद क्या है, 3 2 1, उसके बाद 1 2 1, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। ओके, उसके बाद आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग का 2 कॉलम पीछे शिफ्ट कीजिए, स्टार्टिंग का 2 कॉलम पीछे। याद रखिएगा, जब 3x3 का मैट्रिक्स है तो स्टार्टिंग का 2 कॉलम पीछे, तो स्टार्टिंग का 2 कॉलम पीछे, 1 3 1, उसके बाद 2 2 2, उसके बाद 2 2 2, राइट। हमने क्या बोला, स्टार्टिंग का 2 कॉलम पीछे कर दिया हमने। उसके बाद क्या कीजिए, ऊपर से 2 रो नीचे, ऊपर से 2 रो नीचे, 1 2 3 1 2, ये पहला रो हो गया। उसके बाद दूसरा रो भी नीचे लिखिए, 3 2 1 3 2, राइट। आपको इतना करना है। इसके बाद क्या करना है, पहला कॉलम पहला रो को डिलीट कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आप एडजॉइंट लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखिए आपको क्या होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 माइनस 2, ये देखिए 2 नीचे से ऊपर जाएंगे तो निगेटिव, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0, तो 2 माइनस 2 ये हो गया आपका 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। अब आपको ध्यान देना है, ये जो हम मल्टीप्लीकेशन किस तरह से कर रहे हैं, रो वाइज, ये रो वाइज, तो लिखना है कॉलम वाइज, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई रो वाइज करेंगे तो लिखेंगे कॉलम वाइज, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। तो भाई साहब यहाँ पे हो गया -2, -2 ये हो जाएगा -2, राइट। उसके बाद ये देखिए 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर आ जाइए नीचे, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 4। उसके बाद 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद ये देखो 2 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। उसके बाद ये देखिएगा 2 माइनस 6 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड।